सो हे गाइस, न्यूज़ बॉय है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं अभिजीत सिंह के बारे में। ये बेसिकली एक फोटोग्राफर है, ठीक है। तो इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर काफी सारे पोस्ट किया है रिसेंटली। वहाँ पे वो क्या बताया, मैं आपको एकदम शॉर्ट में समझा देता हूँ। वो बताया कि ही वाज असॉल्टेड ऑन ले मनाली हाईवे। यस, उनको जो कुछ लोगों ने मारा है। बेसिकली क्या हुआ कि वो ड्राइव करके जा रहे थे ले टू मनाली, एंड क्या हुआ कि उनके आगे जो है बाइकर्स का एक ग्रुप था, उन्होंने जो है रास्ता ब्लॉक करके रखा था, ठीक है। वो जो वहां से हट नहीं रहे थे, एंड उन्होंने उनसे जो रास्ता को क्लियर करने के लिए कहा। एंड उसके बाद वो जो बाइकर्स ग्रुप के लीडर थे वो गुस्सा हो गए, एंड देन फिर थोड़ा फिजिकल होने लग गए। एंड जब वहां पे कुछ लोग आया ना, जब भीड़ इकट्ठी हुई, तब वो लोग ने छोड़ दिया। उन्होंने ओपन धमकी दिया ये बताते हुए कि हम तुम्हें रास्ते में नहीं छोड़ेंगे। फिर 25 किलोमीटर चलने के बाद फिर वो लोग वहीं पे रुके हुए थे। फिर 3-4 लोग मिलकर जो उनको अटैक किया। बेसिकली वो जो उनको मुर्गा बनने के लिए कह रहे थे, कान पकड़ने के लिए कह रहे थे। फिर उन्होंने जो उनका कार था उसको भी डैमेज वगैरह किया। वो कौन बंदा था आप देख सकते हो, तो उन्होंने फोटो भी शेयर किया हुआ है। एंड वो बताया कि अगर कोई इनको जानता है देन फिर उनको डीएम करे ना। फिर इसके ऊपर से राइडर गर्ल विशाखा भी रिएक्ट की, वो लिखी इनको तो ढूंढ के रहेंगे फुल पावर में। दिस इज द थर्ड न्यूज आई एम रीडिंग इन अ वीक्स टाइम, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस पीपल। फिर वो जो एक स्टोरी पोस्ट किया जहाँ पे वो बताया कि वो बंदा जो आइडेंटिफाई हो चुका है, एंड ऑफकोर्स वो जो अभी उसके ऊपर केस वगैरह करने वाले। एंड वो लिखे इंटेंट वॉज नीदर टू सेम द पर्सन हियर नॉट टू यूज सोशल मीडिया टू डिक्लेयर वर्डिक्ट। वो सोशल मीडिया पे इसलिए पोस्ट किया क्योंकि वो जो है वो बंदे को आइडेंटिफाई करना चाहते थे। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में, वन ऑफ द स्टार किड के बारे में। तो आपको बता दो, कुछ टाइम पहले स्ले पॉइंट जो अपने चैनल पर फिजिक्स वाला को रोस्ट किए थे, उसके बाद फिजिक्स वाला रिप्लाई किए थे स्ले पॉइंट को। तो इसी मैटर के ऊपर जो वन ऑफ द स्टार किड रिएक्ट किए, वो लिखे द वर्ल्ड हैज बिकम टू सेंसिटिव, स्ले पॉइंट्स न्यू वीडियो वाज वेरी एंटरटेनिंग बट दे आर गेटिंग हेट फॉर नो रीजन। आई एम सरप्राइज्ड हाउ कैन पीपल गेट ऑफेंडेड विद सच अमेजिंग कंटेंट एंड ह्यूमर, दैट टू विदाउट अब्यूसिव लैंग्वेज। कीप ऑन डूइंग व्हाट यू आर बेस्ट एट अभ्युदया, फिजिक्स वाला स्टूडेंट जस्ट एंजॉय द वीडियो। फिर उन्होंने जो स्ले पॉइंट के न्यू वीडियो के कमेंट्स वगैरह दिखाए स्क्रीनशॉट में, जहां पे वो लिखे स्ले पॉइंट्स वीडियोस कमेंट्स। वहां पे क्या लिखा हुआ, ओए रिस्पेक्ट फिजिक्स वाला, अदरवाइज यू कम ऑन रोड, ओके हटिया सिली पॉइंट, तुम्हारे पेरेंट की भी डबल मीनिंग वाली वीडियो डालो, तुम्हारे पेरेंट भी ऐसे ही करते हैं क्या भाई, टीचर्स के साथ ऐसा मत करो वरना बहुत बुरा होगा, ठीक है। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर से बताना। और यहाँ पे क्रेजी दीप भी शायद से फिजिक्स वाला के ऊपर एक वीडियो लाने वाले, वो लिखे नेक्स्ट वीडियो फिजिक्स वाला, ट्रस्ट मी ये वीडियो हमारे चैनल की बेस्ट होगी, ये वाले स्टोरी पे येलो हार्ट स्पैम कर दो। और जैसे कि मैं आपको कल के वीडियो में बताया था कि स्लेप पॉइंट के अभ्युदया को जो है ढिंचैक पूजा ने मैसेज किया था, अभी यहाँ पे पता चल रहा है कि ढिंचैक पूजा ने जो कुछ और यूट्यूबर्स को मैसेज किया था, जैसे देसी गेमर्स उन्होंने जो उस ट्वीट का रिप्लाई किया था आप देख सकते हो। ऑल्सो रोहित राज जो कि भुवन बाम के मैनेजर है, उनको भी उन्होंने मैसेज किया हुआ था। मैक्सन का तो ऑलरेडी मैं कल दिखा चुका। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में, मसूद एक्सपेरिमेंट टीवी के बारे में। तो इन्हें अपने चैनल पर एक्सपेरिमेंट वगैरह करते, चैनल का नेम देख के आपको पता चल गया होगा। तो इनके साथ में एक और टीम मेंबर थे जिनका नाम था छोटू, तो उनको जो उन्होंने निकाल दिया था एक्सपेरिमेंट टीवी के ऑनर ने ना, तो क्यों उसी के बारे में बताते हुए पूरा डिटेल वीडियो अपलोड किया, जहां पे बेसिकली वो यही बताया कि वो जो छोटू थे वो उनके चैनल को जो बदनाम करना चाहते थे कुछ लोगों के साथ मिलकर। उन्होंने जो कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह भी सुनाया, मैं छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ आप देखिए। हमारे और आपके रिलेशन को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, देखिए सुनिए। पैसा है ने खाता में जावा दे, पर खाता में बहुत थी बेगा थई जाए ने पची है ने वो चुमाती तने पागल लागो आओ छे तू मारा पर विश्वास नहीं। देखिए गाइस, ये अभी तो आगे भी है, बट ये बात क्या हुई, पैसा है ने खाता में जावा दे, पर खाता में बहुत थी बेगा थई जाए ने पची है ने वो चुमाती। गाइज यहाँ पर क्लियरली बात हुई कि 1.5 से 2 लाख रुपए पहले तुम उससे उधार ले लो, बाद में बूच मार दो, यानी बूच का मतलब होता है चूना लगा दो, गुजराती में होता है। और यहाँ पर क्लियरली रौनक का नाम भी, छोटू जो उसका नाम है रौनक, उसका नाम लिया जा रहा है। देखिए देखो आले रौनक भर, मतलब वो कुछ पानी वानी या फिर सोडा वगैरह पी रहे होंगे। तो यहाँ पर ये लोग पाँच लोगों की एक मंडली है, पूरी टीम है, वो हमारे खिलाफ हर रोज साजिश कर रहे थे और इसका पता हमें चला। और सो आपको बता दो, छोटू का जो एक चैनल है छोटू व्लॉग्स करके, उन्होंने अपने चैनल पर एक शॉर्ट्स अपलोड किया, आप देखिए। गाइस तो आप सब लोग मुझे कमेंट कर रहे हो कि आपने टीम से 2 लाख रुपए उधार लिए, ये लिया वो लिया, बट वो बात आप जो ये यूट्यूबर अभी फैला रहे कि ये सब इन्फॉर्मेशन हमें उनकी टीम से मिली है, तो वो बात अभी गलत है। वो हमारा फैमिली मैटर था, तो मैंने आपको बताया नहीं कि उस पर वीडियो नहीं बनाया, बट अभी मैं वीडियो उस पर बनाने वाला हूँ, तो थोड़े ही टाइम में वीडियो आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गलत है, तो आप कुछ ऐसा मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाना। सो यस, मतलब कि वो अभी और डिटेल्ड वीडियो बनाने वाले उनके चैनल पर। तो चलिए वो अगले अपडेट के बारे में, जो किड्स डायना शो के बारे में, तो उन्होंने कंप्लीट कर लिया 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स। यस, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, उसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए किड्स डायना शो जो एक स्टोरी भी पोस्ट किए थे आप देख सकते। सो यस, हार्टी कांग्रेचुलेशन टू हर। तो चलिए वो अगले अपडेट के बारे में, गेमिंग न्यूज है। तो मैंने एक ट्वीट देखा ये वाला, जैसे कि आप देख सकते हो, एयरपोर्ट्स गॉट गेमिंग लॉन्जेस नाउ, गेमिंग इज टेकिंग ओवर। एंड आप देख सकते हो गेमिंग लॉन्ज बना हुआ है एयरपोर्ट में, जहां पे
लोग जो है गेम्स वगैरह खेल रहे हैं। वो कौन सा एयरपोर्ट है मैंने थोड़ा सा पता करने का कोशिश किया, वो फोटो को जूम करके देखा तो वहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा E16। तो ये बेसिकली एक यूएसए का एयरपोर्ट है, इंडिया में अभी तक नहीं बनाया बता दो। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में, आरजे अभिनव के बारे में, इनको तो आप सब लोग जानते होंगे, इनका एक यूट्यूब चैनल है और इंस्टाग्राम पे भी ये काफी ज्यादा वायरल रहता है। तो रिसेंटली इन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसकी वजह से थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी हो गया। वो वीडियो देखने के बाद जो है बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है ऑफेंड हो गए एंड वीडियोस वगैरह अपलोड करने लगे रिप्लाई करते हुए। ऑल्सो उनके उस वीडियो में जो है बहुत सारे लोग कमेंट वगैरह भी कर रहे थे। उसके बाद जो उन्होंने अपोलोजाइज करते हुए एक स्टोरी पोस्ट किया, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर। एंड यस, आरजे अभिनव का वो कौन सा वीडियो था अगर आप देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे किसी ने अपलोड किया हुआ है, लिंक मैं इसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में, अमन गुप्ता के बारे में। तो अमन गुप्ता आपको पता होगा बोट के फाउंडर एंड ऑल्सो शार्क टैंक के जज, उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था केबीसी में। वो कौन सा क्वेश्चन था आप देख सकते हो। बोट एक कंपनी को फाउंडेड बाय अमन गुप्ता एंड समीर मेहता सेल्स विच ऑफ दिस प्रोडक्ट्स, एंड ऑप्शंस है वहां पे बोट्स, कपबोर्ड्स, हेडफोन्स, कार्स। ऑफ कोर्स इसका आंसर क्या आप सबको पता ही होगा, हेडफोन्स। एंड इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए वो लिखे, आज खुश तो बोट हो गए तुम है, प्राउड टू सी एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टार्टअप्स एज जनरल नॉलेज क्वेश्चंस। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में, रणवीर अलाहाबादिया के बारे में। तो रणवीर अलाहाबादिया आपको पता होगा दो चैनल है, एक रणवीर अलाहाबादिया एंड बियर बाइसेप, जहां पे वो जो पॉडकास्ट वगैरह करते हैं ना, एक हिंदी एक इंग्लिश। तो वो लिखे, ऑनेस्टली बीन टू प्राउड ऑफ माय टीम फॉर द क्वालिटी ऑफ कंटेंट दैट्स बीन रिलीज्ड लेटली। नॉट इजी टू रिलीज 3 पॉडकास्ट ए वीक, नॉट इजी टू क्लॉक इन द व्यूज और डाउनलोड्स वी आर गोइंग, टेकन 3 इयर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन टू गेट हियर, कीप एन आई ऑन द रणवीर शो। एंड आप देख सकते हो उनका जो हिंदी वाला चैनल है जहां पे वो पॉडकास्ट करते हैं हिंदी का, उस पे काफी अच्छे खासे व्यूज आके रखे। उन्होंने जो स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किया, कुछ महीने पहले वो एक ट्वीट करके बताया था कि वो जितना मेहनत कर रहे हैं ना उतना उनको व्यूज नहीं आ रहा है। एंड अभी आप देख सकते हो, यार मैं तो क्या बोल सकता हूं, काम करो भाई।